हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेनिटिडिन दवा के बारे में। इसका मेनली यूज़ क्या है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इसका डोजेस फॉर्म है, और क्या ये ब्रांड किस किस ब्रांड नाम से ये मार्केट में फेमस है, इन सभी को दोस्तों आज हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे रेनिटिडिन दोस्तों 150 mg और 300 mg के फॉर्म में आती है। तो रेनिटिडिन अगर एडल्ट डोज की बात करें तो एडल्ट डोज हम वो कंसीडर करेंगे जो 12 साल से ऊपर का है, वो एडल्ट डोज में हम कंसीडर करेंगे। चाइल्ड डोज वो है जिसे हम 12 साल से कम का होता है, चाइल्ड डोज में वो हम कंसीडर करेंगे जो 12 साल से कम है, वो चाइल्ड डोज में होगा। और एडल्ट डोज की बात करें तो 12 साल के ऊपर के जो भी है, 12 साल के ऊपर के व्यक्ति को हम एडल्ट डोज में कंसीडर करेंगे। चाइल्ड डोज में हम कंसीडर करेंगे 12 साल से कम के व्यक्ति को, ठीक है। तो आपको इसमें डोज के बारे में बताना है दोस्तों, आपको तो 150 mg दिन में दो बार देना है। आपको रेनिटिडिन टैबलेट 150 mg दिन में दो बार देना है। खाना खाने के बाद भी देख सकते हैं और खाना खाने के पहले भी देख सकते हैं रेनिटिडिन। और 300 mg दिन में एक बार देना है आपको। अगर आपको 300 mg देना है तो 300 mg दोस्तों आपको एक बार ही देना है, सुबह दें या शाम को दें, ठीक है दोस्तों। तो एसीलाग टेबलेट जो होती है दोस्तों, तो 150 mg अगर आप दे रहे हैं तो दिन में, अगर आप सुबह दे रहे हैं तो उसके बाद उसको शाम को देना है। तो दिन में दो बार एसीलाग 150 mg टैबलेट देना है। अगर दोस्तों इसको बेस्ट रिजल्ट पाना है तो खाना खाने से एक घंटा पहले अगर आप खाएंगे टैबलेट को तो आपको बेस्ट रिजल्ट शो होगा दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों आपको 300 mg जो टैबलेट है उसको दोस्तों आपको दिन में एक ही बार लेना है। एक बार लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट शो होगा। चाइल्ड डोज की बात करें तो 2 से 4 mg प्रति किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आपको देना होगा। चाइल्ड डोज में हमने बताया दोस्तों आपको किसको कंसीडर करना है, 12 साल से कम के व्यक्ति को कंसीडर करना है। और 6 साल के अगर कोई 6 साल का बच्चा है तो उसको ये टैबलेट ना दे के उसके लिए सीरप प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, तो आपको उसके लिए देखना है। हम बात कर रहे हैं 6 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए, अगर उनको आपको देना है तो 2 से 4 mg प्रति किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आपको देना होगा। तो मान लीजिए उसका वेट है, बच्चे का 20 किलोग्राम है, तो उसको आपको देना है 80 mg उसको देना है दिन में दो बार। दोस्तों 80 mg एक ही बार में मत देना उसको, तो उसको देना है आपको 80 mg दो बार। सुबह देना है 40 mg, शाम को देना है 40 mg, तो 80 mg आपको उसको देना है। तो आपको आई होप ये डोज के बारे में आपको समझ आ गया होगा। तो आगे हम बात करते हैं अपना यूजेस के बारे में, क्या इसके यूज़ हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा रेनिटिडिन दोस्तों, ये एसीलाग 150 है और ये एसीलाग 300 mg की टैबलेट है दोस्तों। काफ़ी फेमस है दोस्तों, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। आगे बात करते हैं हम इसके यूजेस के बारे में, क्या इसके यूजेस हैं। तो इसके कॉमन यूजेस क्या है दोस्तों, आपने सुना होगा एसिडिटी बनना यानी गैस बनना, हार्ट बर्न होना, सीने में जलन होना, और क्या हो सकते हैं इसके, और साइड इफ़ेक्ट्स इसके है पेट में जलन होना, ये साइड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों इसके। तो एसिडिटी बनना पहला हो गया। तो दोस्तों डूडेनल अल्सर एसोसिएटेड विद एच पाइलोरी क्या है दोस्तों, ये एक इन्फेक्शन होता है, ये एक इन्फेक्शन है दोस्तों जो हमारे पेट में हो जाता है। तो इसमें दोस्तों आपको देखना है एच पाइलोरी यानी इसका पूरा नाम क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये दोस्तों पेट में एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से दोस्तों आपको पेट में छाले पड़ जाते हैं, उसकी वजह से दोस्तों आपको एसिडिटी होना और गैस बनना, ये दोस्तों एक इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे आपको। ये एक नकारात्मक जो माइक्रो एरोफिलिक
सर्पिला जीवाणु है जो आमतौर पर पेट में पाया जाता है और इसके म्यूकस स्तर में प्रवेश करने के लिए विकसित हुआ और इस तरह ये संक्रमण स्थापित करता है। तो ये संक्रमण स्थापित करने के बाद दोस्तों आपको एसिडिटी बन सकती है दोस्तों। तो अगला हमारा है एसिडिटी बन सकती है तो आपको दोस्तों ये इन्फेक्शन होगा तो उसमें दोस्तों आप क्या करेंगे एसी लाग को प्रिस्क्राइब करेंगे या डॉक्टर जो है एसी लाग इसमें लिखते हैं या आप इसमें एसी लाग ले सकते हैं तो आपको ये दिक्कत से छुटकारा मिलेगा। दूसरा है डुडनल अल्सर यानी कि पेट में अल्सर होना, पेट में छाले पड़ जाना। उस स्थिति में आप क्या करेंगे डुडनल अल्सर यानी पेट में छाले पड़ जाना उसमें भी आपको एसी लाग का यूज़ करना है। इनडाइजेशन यानी कि खाना ना पचना, ये भी दोस्तों गैस बनने की स्थिति होती है कि खाना ना पचना, इनडाइजेशन होना, पेट के ऊपरी हिस्से में बेचैनी जैसे जलन या सूजन या गैस मतली आना या खाना शुरू करने के बाद बहुत जल्दी पेट भरा हुआ महसूस होना, तो ये सब लक्षण होते हैं गैस बनने के। तो उसमें भी दोस्तों आपको इसको एसी लाग टैबलेट या रेनिटिडिन टैबलेट का यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, और अगला है हमारा गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। ये क्या है दोस्तों, GERD इसका फुल फॉर्म है। तो इसके बारे में दोस्तों बात करें तो गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज में पेट का एसिड वापस पाइप में जाना, यानी दोस्तों ये पेट है हमारा, इसका एसिड वापस दोस्तों इसमें जाना, ये इसोफेगस है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इसका एसिड इस तरफ से जाना, यहाँ से दोस्तों इस तरफ हुआ ना, तो इसमें दोस्तों क्या होता है पेट का जो एसिड है वापस फूड पाइप में जमा होने लगता है। यह एसिड फूड पाइप की लाइनिंग को नुकसान पहुँचाता है जिससे कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें भी दोस्तों डॉक्टर जो है एसी लाग को प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर आप इसमें एसी लाग खा सकते हैं। अगला है दोस्तों नेट्स एसोसिएटेड अल्सरेशन। दोस्तों इसमें सारी नेट्स कैटेगरी की जो मेडिसिन है उनको अगर आप ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेट में अल्सर हो सकता है या फिर वो आपको दिक्कत पहुँचा सकते हैं। जैसे आप नेट्स कैटेगरी की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, ये जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स कॉमन साइड इफेक्ट हैं जैसे कि पेट दर्द, दस्त, पेट खराब होना, ये साइड इफेक्ट हैं। इसमें 10% रोगी नेट्स के साथ सहन करने में असमर्थ हुआ, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जो नेट्स कैटेगरी के मेडिसिन को सहन नहीं कर सकते तो उन रोगियों में जैसे पेप्टिक अल्सर विकसित हो जाता है, उस पेप्टिक अल्सर को विकसित होने में दोस्तों एसिडिटी हो जाती है और उसमें क्या हो जाता है और हार्टबर्न होगा, तो उसमें आपको एसी लाग टेबलेट का या रेनिटिडिन टैबलेट यानी रेनिटिडिन टैबलेट का यूज़ करना है। अगला है हमारा जोलिंगर एलिशन सिंड्रोम यानी इसमें क्या है, या एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें आपके अग्नाशय या आपकी छोटी आंत के ऊपरी भाग डुओडेनम में अधिक ट्यूमर बनते हैं जिससे कि आपके अधिक ट्यूमर बनने के चांस हो जाते हैं। गैस्ट्रोनोमा नामक ये ट्यूमर गैस्ट्रिन नाम से ट्यूमर गैस्ट्रिन हार्मोन की बड़ी मात्रा में स्रावित करते हैं जिससे आपके पेट में अधिक एसिड उत्पन्न होता है। उस स्थिति में दोस्तों आपको एसी लाग टैबलेट का या रेनिटिडिन टैबलेट का यूज़ कर, ये हमारे दोस्तों यूजेस हो गए हैं। आगे हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी इस टैबलेट को कब नहीं देना है। हिस्ट्री ऑफ एक्यूट प्रोफिया ये दोस्तों एक जेनेटिक जो है डिजीज़ है, ये दोस्तों ब्लड में होती है दोस्तों, तो ये जेनेटिक चलती रहती है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको सर्च करना है गूगल में, और पता करना है इसके बारे में दोस्तों। आगे हम बात करते हैं आपको प्रिक्यूशन क्या रखनी, सावधानी क्या रखनी है। तो सावधानी है डायबिटीज़ अगर आपको है तो इस टैबलेट को लेने से बचें, अगर आपको लीवर डिजीज़ है तब भी आपको इस टैबलेट से लेने से बचना होगा, किडनी डिजीज़ है तो आपको इस टैबलेट से लेने से बचना होगा दोस्तों। तो इन ये जितनी हमने लिखी है डिजीज़ दोस्तों इसमें आपको रेनिटिडिन टैबलेट का यूज़ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों,
आगे बात करते हैं इंट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इंट्रैक्शन क्या होता है, अगर किसी मेडिसिन को इस मेडिसिन के साथ में अगर आप लेते हैं तो गलत भी प्रभाव प्रदर्शित कर सकती है। आपको गलत प्रभाव ना प्रदर्शित करेगी तो उस मेडिसिन का प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा। इस मेडिसिन के अगर साथ लेंगे ऐसी लाग का प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे कीटोकोनाजोल है, इस मेडिसिन के साथ अगर आप लेंगे और रिनिटिडिन, तो दोस्तों आपको जो है रिनिटिडिन का प्रभाव बहुत ही स्लो यानी कम प्रदर्शित होगा, यानी कम आपको लगेगा, इसका बहुत ही कम स्लो यानी इसका प्रभाव होगा। तो दोस्तों इन मेडिसिन के साथ में आपको एसीलाक टेबलेट का यूज़ नहीं करना है। एंटीकोगुलेंट हो गया, प्रोकेनामाइड हो गया, मिडाजोलोन हो गया, ट्राजोलोम हो गया, तो इन सभी टेबलेटों के साथ आपको इनके साथ रिनिटिडिन टैबलेट का यूज़ नहीं करना है। आगे हम बात करते हैं अपने मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। डायस्पोनिया दोस्तों एक दमा की बीमारी है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, नोजिया हो गया आपको, डायरिया हो गया, वोमिटिंग, रेसेस। आगे देखते हैं दोस्तों हम ब्रांड नेम के बारे में। ब्रांड नेम हमारे कौन से हैं, जेंटक हो गया, रिनिटिन हो गया, ये दोस्तों कुछ फेमस ब्रांड नेम है। ये जेंटक दोस्तों कुछ ज़्यादा फेमस है, इस ब्रांड नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी ये रिनिटिन टैबलेट। और हमारा रिनिटिन है, जाइलोन है, हिस्टैक है, निकोटैक है, मोनटैक है, मोरिन है, रिनटैब है दोस्तों। इन सभी ब्रांड नेम से आपको मार्केट में ईजिली से मिल जाएगी ये रिनिटिन टैबलेट। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, इससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।